मुक्तिबोध कृत अंधेरे में पाठ व अर्थ की खोज विवेक कुमार मिश्र अमन प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित है इस पुस्तक में अंधेरे में कविता का विवेचन विश्लेषण और अंधेरे में कविता के माध्यम से वास्तव में कवि क्या कुछ कहना चाहता है इसकी पड़ताल की गई है पुस्तक में कुल नौ अध्याय हैं अंधेरे में एक यात्रा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ खंडों में जिस तरह से अंधेरे में कविता है उसका एक एक करके विश्लेषण विवेचन यहां बहुत विस्तार के साथ किया गया है अंधेरे में पहचान और अर्थ की खोज क्या है यह अंधेरा क्या यह केवल प्राकृतिक अंधेरा है या इससे बहुत ज्यादा सामाजिक अंधियारा है जिसकी व्याख्या विवेचन विश्लेषण कवि मुक्तिबोध करते हैं और यह लंबी कविता मनुष्य के उस सामाजिक यथार्थ की आख्यान परक विस्तारता को लेकर है जिसमें उसकी कविता कभी खत्म नहीं होती जीवन से अंधेरा खत्म नहीं होता और उस अंधेरे की पड़ताल सामाजिक पृष्ठभूमि अंधेरा कहाँ से आया किनके कारण अंधेरा है क्यों यह अंधेरा है ये सारी बातें ये सारे संदर्भ अंधेरे में कविता को पढ़ते हुए आप पड़ताल कर सकते हैं गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करते हुए षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों कार्यालयों केंद्रों में घरों में हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा इसकी मुझे और सजा मिलेगी और यह सजा मिलना कवि के मैं और कवि के वह के बीच की जो दूरी है उसमें अंधेरे में कविता में कवि मुक्तिबोध उस यथार्थ से साक्षात्कार करते हैं उस सच से सामना करते हैं जो दिन रात उजाले में अपना अलग चेहरा रखते हैं और रात में उनका असली चेहरा दिखता है ओ मेरे आदर्शवादी मन ओ मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया जीवन क्या जिया उद्रम बन अनात्म बन गए भूतों की शादी में कनास से तन गए किसी व्यविचारी के बन गए बिस्तर बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम मर गया देश अरे जीवित रह, रह गए तुम कहना न होगा कि जब आप अंधेरे में कविता से गुजरते हैं तो भारतीय समाज तंत्र भारतीय लोकतंत्र और उसमें मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह क्यों नहीं पूरी हो पाती हैं क्यों उसकी इच्छाओं को षडयंत्र के तहत गला घोट दिया जाता है इन सारे तथ्यों को जानने समझने के लिए मुक्तिबोध की कविता को पढ़ना बहुत जरूरी है आधुनिक भारत के सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए मुक्तिबोध को जानना पढ़ना जरूरी है मुक्तिबोध का कवि प्रसिद्ध कविता अंधेरे में इसी यथार्थ को लेकर चलता है कविता की शुरुआत होती है जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार वह नहीं ही दिखता किंतु वह रहा चुप तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक यह कौन है जो दिखता नहीं है पर लगातार सामने आता रहता है आम आदमी जो स्वप्न देखना चाहता है और जिस स्वप्न पर चलना चाहता है वह स्वप्न छिपा रहस्य सबको पता है छिपे हुए रहस्य व स्वप्न को निकालने के लिए कवि बार बार रहस्यमय चेहरे को खोजता है देखता है उसे चेक करता है इशारा करता है वह आता है कहता है कि अभी, अभी अभी आया था अभी अभी दिखा अरे वह है मैं और वह का संघर्ष लगातार देखने को मिलता है वह सामने आता है फिर चला जाता है कोहरे में सामने रक्ता लोक स्नात पुरुष एक अक्स्मत रहस्यमयी की तरह वह व्यक्ति बार बार आता है वह क्या है उसकी परम अभिव्यक्ति है कि वह पूर्णतम अवस्था है यथार्थ दुनिया में आते ही आदमी बदलाव करने की बहुत सारी आकांक्षा लेकर चलता है अपने आसपास के समाज में खुद में बदलाव करने की कोशिश करता है पर उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो वह इधर से उधर उस गली से इस गली शहर शहर चौराहे चौराहे चक्कर लगाता है